हम कैलेंडर और क्लॉक वाले क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व करेंगे। पहला ये कैलेंडर का क्वेश्चन है कि रीजनिंग में 22 नवंबर 2022 को कौन सा दिन था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, ये जो 2022 है तो उसे हम अलग लिख लेंगे, एक घटा देंगे। तो 2022 को जब हम एक घटाएंगे तो क्या होगा, 2021 होगा। तो 21 का भी अलग अलग कर देते हैं, शताब्दी वर्ष अलग कर देते हैं, 2000 हो गया और 21 में अलग कर देता हूँ। तो हम जानते हैं कि जो जब 400 से डिवाइड करने पर, इस ये शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करने पर 300 बचता है तो उसका कोड 0 होता है। तो मेरा कोड क्या होगा, ये का 2000 के लिए कोड क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 21 वर्ष में कितना लीप ईयर वर्ष होगा, तो 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे तो लीप ईयर वर्ष कितना होगा, 4 5 20, तो भी 5 गो आएगा। तो 21 और प्लस 5 कितना हो गया, 26। 26 ये मतलब 26 और डेज हो गया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन के बाद क्या होता है, दिन रिपीट होता है। तो कितना और 5 और डेज आएगा, मतलब 5 रिमाइंडर हो जाएगा, तो 5 और डेज होगा, 5 और 27 21 सब 5 26, तो मेरा 5 और डेज हो गया। अब हमें देखना है कि 22 नवंबर तक हमें जाना है, 22वीं साल में है ना, 22वीं साल चल रहा है। तो 22वीं साल में जनवरी से चलेगा, तो जनवरी में जब हम 31 का महीना लगता है, तो 31 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, वो डेज कितना बचेगा, 3 होगा। फरवरी में और डेज 0 होता है, मार्च में 3 होगा और डेज, अप्रैल में 2 होगा और डेज, मई में 3 होगा और डेज, और जून में 2 होगा और डेज, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में भी 3 होगा, सितंबर में 2 होगा, अक्टूबर में 3 होगा, और नवंबर मेरा 22 तक चल रहा है। तो हम 22 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा टोटल ओड डेज हो गया, ये ओड डेज हो गया, और ये यहाँ पर भी 5 ओड डेज है, तो 5 ओड डेज भी जोड़ देंगे। तो टोटल जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 ग्यारह दो 13 13 3 16 16 3 19 19 2 21 21 3 21 3 24 24 और 22 कितना हो गया, 24 और 22 और ये 5, इतना टोटल ओड डेज हो गया। तो टोटल ओड डेज कितना हो गया, 5 2 7 7 4 11 एक बकिया एक, तो 3 3 2 5 51 गो ओड डेज हो गया। तो इसको हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद क्या होता है, दिन रिपीट होता है। तो 7 से जब भागा देंगे तो क्या आएगा, दो 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 रिमाइंडर बचेगा, 7 7 49 और 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर मतलब कित क्या हो गया, 2 ओड डेज हो गया, 2 ओड डेज हो गया, 2 डेज। तो जब एक 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 आता है रिमाइंडर तो मंडे होता है, मंडे दिन होता है। जब 2 रिमाइंडर आता है तो ट्यूजडे होता है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, ट्यूजडे हो जाएगा, ठीक है। जब 3 रिमाइंडर आएगा तो वेडनेसडे होता है, और 4 रिमाइंडर आएगा तो थर्सडे होता है। तो रिमाइंडर 2 आया है ना, तो जब रिमाइंडर 2 आया तो क्या मेरा हो जाएगा, ट्यूजडे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ट्यूजडे हो जाएगा आंसर, ट्यूजडे। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 मैंने लिखा हूँ, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कमल जो है लंबा है मंगल से। तो कमल जब लंबा है मंगल से तो हम क्या लिखेंगे कि कमल जो है वो मंगल से लंबा है, ठीक, ये इक्वेशन हो गया। और मंगल लंबा है सूर्य से, मंगल किससे लंबा है, सूर्य से, ठीक, सूर्य से लंबा है। तथा सुरेश जो है कमल से छोटा है, सुरेश जो है वो क्या है, कमल से छोटा है। तो कहीं इधर बीच में होगा, कमल ये है, कमल से छोटा क्या है, सुरेश है, सुरेश जो है कमल से छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ सुरेश कमल से छोटा ही है ना, सुरेश कमल से छोटा ही है, दिख ही रहा है। तो सबसे लंबा क्या हो गया, कमल हो गया, सबसे लंबा क्या हो गया, कमल हो गया। अब हम अगले पेज पर क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन रक्त एवं संबंध का है, ब्लड एंड रिलेशन का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर संकेत करके, मान लो ये तस्वीर है, ये जो लड़की का तस्वीर है, ठीक है, लड़की का तस्वीर है, संकेत करते हुए कमल ने कहा कि उसका एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई मान लेते ए है, एकमात्र भाई ए, मेरी बेटी का, कमल के बेटी बी मान लेता हूँ, बेटी का पिता है, ठीक, ये जो क्या है, पिता है, ये जो
बेटी का क्या है, पिता है। बी जो बेटी है, कमल के बेटी बी है और उसका पिता है, तो क्या हो जाएगा? तो कमल का ये क्या होगा, पति हो जाएगा। कमल का जो ए है वो पति हो जाएगा। और पति की बहन क्या होता है, पति का बहन क्या होगा, फूफा होगा, है ना। पति के बहन क्या होगा, फूफा। तो कमल जो है उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। ये कमल जो है उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कमल का पति ए हो गया। एक का क्या हो, तस्वीर वाला जो है वो बहन है, तो कमल क्या होगा, कमल का जो ये लड़की है वो ननद हो जाएगी। ठीक है, ननद आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 5 बजे दोनों घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 5 बजे क्या होता है, 5 बजे यहाँ पर 12 पर होगा मिनट वाली घंटी घड़ी सुई, और 5 इधर, कहीं ये 3 का होगा, ये 1, ये 2 है, ये 12 बजे, तो कहीं इधर 5 पर होगा। तो घंटे वाली सुई के यहाँ क्या 5 पर होगा और मिनट वाली सुई 12 पर होगा, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो हम जानते हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में क्या करता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 5 घंटा ट्रेवल किया ना, 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक 5 घंटा ट्रेवल किया घंटे की सुई। तो 5 घंटा में कितना डिग्री कवर करेगा, 5 × 30 डिग्री, मतलब कि 150 डिग्री कोण ट्रेवल किया। या तो एक फार्मूला होता है कोण निकालने का, क्या होता है फार्मूला, 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट, मतलब कितना मिनट होता है। तो अभी तो मिनट तो 0 है, क्योंकि अभी 12 पर काटा है सुई वाला, मिनट का सुई कहाँ पर, 12 पर, 12 पर होता तो क्या होता, 0 होता। तो 11/2 मिनट की सुई तो 0 हो गया, और 30 × कितना घंटा हो रहा है, 5 घंटा हो रहा है, तो 5 से गुना करेंगे, तो ये क्या, यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है, 150 डिग्री, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 150 डिग्री, तो यहाँ से भी 150 डिग्री आंसर हो रहा है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।